दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अतुल क्रिकेट एकेडमी में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के चौथे टेस्ट के दोनों टीम्स की पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं YouTube चैनल अतुल क्रिकेट अकेडमी को सब्सक्राइब करके साथ में देख बेल आइकन को दबा दीजिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। मुझे इंस्टाग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दीजिए, आईडी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रही होगी। तो दोस्तों बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले इंडिया के इंजर्ड प्लेयर की लिस्ट देख लेते हैं क्योंकि वो लिस्ट अभी बहुत बड़ी हो गई है इंडिया के लिए। जब इंडिया टॉप पे आई थी तो उससे पहले आईपीएल में भुवनेश्वर कुमार और ईशांत शर्मा का पट्टा कट गया। उसके बाद जब इंडियन टीम आ गई यहाँ पे तो सबसे पहले रविंद्र जडेजा फर्स्ट टी ट्वेंटी में चोटिल हुआ और उसके बाद तीसरे टेस्ट में भी चोटिल हुए, मतलब जडेजा इंजर्ड हुए, रिकवरी की और फिर से चोटिल हो गए। उसके बाद मोहम्मद शमी भी फर्स्ट टेस्ट में इंजर्ड हुए, उमेश यादव सेकेंड टेस्ट में इंजर्ड हो गए। वहीं थर्ड टेस्ट की बात की जाए तो बहुत सारे प्लेयर्स हो चुके हैं इंजर्ड। बहुत सारे प्लेयर्स में हनुमा विहारी, फिर जसप्रीत बुमराह, मयंक अग्रवाल, रविचंद्रन अश्विन और तीसरे टेस्ट से पहले नेट्स में केएल राहुल भी इंजर्ड हो चुके हैं। मतलब लगभग 10 प्लेयर इंडिया के इंजर्ड हो चुके हैं। तो इंडिया की प्लेइंग 11 बहुत वीक होना स्वाभाविक है। कुछ प्लेयर्स का 50% चांस खेलने का और 50% नहीं खेलने का। तो दोस्तों देखते हैं प्लेइंग 11 क्या हो सकती है इंडियन टीम की। इंडियन टीम की प्लेइंग 11 में ओपन करेंगे रोहित शर्मा, शुभमन गिल, अच्छा परफॉर्मेंस किया था दोनों ने तो दोनों अपनी ओपनिंग स्पॉट पे कायम रहेंगे। नंबर 3 पे चेतेश्वर पुजारा और 4 पे कप्तान अजिंक्य रहाणे। उसके बाद नंबर 5 पे डिबेट क्योंकि हनुमा विहारी इंजर्ड हो गए तो मयंक अग्रवाल के अंदर आने का है, लेकिन अगर मयंक अग्रवाल इंजर्ड है जो 50-50 है मयंक के खेलने का, तो मयंक अग्रवाल इफ मयंक इज इंजर्ड तो एक ही विकल्प बचता है इंडिया के पास, पृथ्वी शॉ। फिर नंबर 6 पे अगर देखा जाए तो नंबर 6 भी कमजोर हो चुकी है। अब ऋषभ पंत को एज अ स्पेशलिस्ट बैट्समैन खेलना होगा क्योंकि जडेजा इंजर्ड हो चुके हैं, तो आप टेल बहुत लंबी नहीं कर सकती है इंडियन टीम, इसलिए नंबर 6 पे खेलेंगे ऋषभ पंत एज अ स्पेशलिस्ट बैट्समैन। नंबर 7 पे खेलेंगे रिद्धिमान शाह एज अ विकेट कीपर बैट्समैन। फिर इंडिया के 4 बोलर्स जो 5 थे क्योंकि रविंद्र जडेजा थे, लेकिन इंडिया को टेल बहुत ज्यादा लंबी नहीं करनी है, इसलिए सबसे पहले देख लेते हैं स्पिन ऑप्शंस। स्पिन ऑप्शंस में रविचंद्रन अश्विन है स्पिनर, लेकिन अगर रविचंद्रन अश्विन इंजर्ड है 50-50 बताई है इंडियन टीम ने, तो रविचंद्रन अश्विन की जगह इंडिया के पास 2 ऑप्शन और है, कुलदीप यादव और वॉशिंगटन सुंदर। कुलदीप यादव के खेलने के चांसेस है 90% अगर रविचंद्रन अश्विन इंजर्ड है। वही 3 फास्ट बॉलर देखा जाए तो मोहम्मद सिराज जो 2 टेस्ट खेला है, 2 टेस्ट मैच का एक्सपीरियंस, अगर जसप्रीत बुमराह तो वो लीड करेंगे। दूसरे पेसर होंगे नवदीप सैनी और तीसरे पेसर अगर बुमराह इंजर्ड है तो बुमराह के जगह शार्दुल ठाकुर को खिलाया जाएगा। अब अगर ऑस्ट्रेलियन टीम की प्लेइंग 11 देखी जाए तो ऑस्ट्रेलियन टीम की प्लेइंग 11 बहुत साफ है, उन्होंने 3 में से 2 टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, इसलिए उनकी प्लेइंग 11 साफ है। ओपनर डेविड वार्नर कितने भी रन बनाए उन्हें ओपनिंग स्पॉट रिटेन करेंगे ही। दूसरे ओपनर विल पोकॉस्विकी इंजर्ड हो चुके हैं, इसलिए विल पोकॉस्विकी की जगह मार्कस हैरिस को बुलाया गया है। फिर आएगी ऑस्ट्रेलिया की गुरु शिष्य की जोड़ी यानी स्टीव स्मिथ, मार्नस लाबुशेन, दोनों ही बहुत अच्छे फॉर्म में। नंबर 5 पे मैथ्यू वेड ने बहुत अच्छा तो नहीं किया था, लेकिन एक मैच के लिए वो स्पॉट रिटेन करेंगे। नंबर 6 पे आएंगे कैमरन ग्रीन जिन्होंने सेकेंड इनिंग्स में तीसरे टेस्ट के बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, 84 रन बनाए थे, तो नंबर 6 स्पॉट चला जाएगा कैमरन ग्रीन का। और नंबर 7 पे आएंगे कप्तान टिम पेन क्योंकि वो कप्तान है, वो कितने भी कैचेस छोड़े उन्हें बाहर नहीं किया जाएगा। फिर नंबर 8 यानी नंबर 8 से शुरू हो जाती है ऑस्ट्रेलिया की लीथर बॉलिंग अटैक, ऑस्ट्रेलिया की खतरनाक बॉलिंग अटैक। सबसे पहले तो 3 पेसर्स स्टार्क, हेजलवुड, कमिंस और उसके बाद एक स्पिनर यानी नेथन लायन, इस तरह से दिखेगी ऑस्ट्रेलियन टीम की प्लेइंग 11। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया तीसरा टेस्ट ब्रिस्बेन के गाबा स्टेडियम में शुरू होगा 15 जनवरी से सुबह 5 बजे से अकॉर्डिंग टू इंडियन टाइम। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।